Well, Mr. Amber, I don't know how to put it. क्या अरीज ने कुछ किया है? कुछ? My God! अगर हम अपनी आंखें खुली न रखते तो न जाने क्या हो जाता। Last night she tried to escape. Escape? जी। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो आप? No. She is staying here. May I ask Mr. Ahmed, who is Sajal? Sajal, she's a family friend, लेकिन Sajal का इस बात से क्या ताल्लुक है? I'm afraid, Mr. Ahmed, आपकी बेटी उस लेडी से बहुत क्लोज है, isn't she? जी, शायद। देखिए, Mr. Ahmed, आपकी बेटी उस खातून को बहुत मिस करती है, और इनफैक्ट वो उसी के पास जाने के लिए हॉस्टल से निकली थी। सजल के पास जाने के लिए? जी। कल से उसको बुखार है और वो बार बार सजल को पुकार रही है। समझ में नहीं आता कि डॉक्टर का कहना भी यही है। कुड यू प्लीज अरेंज ए मीटिंग? जी, मैं देखता हूँ। क्या मैं अरीज से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी मिस्टर अहमद, वो अभी अभी सोई है। शी इज फास्ट स्लीप। आप सर इंतजार कर लीजिए। हेलो शाज़िद। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। हेलो, ये क्या है? परसों जजी की शादी है, वो खुद आता था तुम्हें मदद करने के लिए, लेकिन और बहुत से कामों में फंसा हुआ था। आप भी ना? शायद, पता नहीं। मैं चलूं? तुम यहां क्यों आए हो? ये अब भी आता है तुम्हारे पास? अबू जी, दरअसल शहजेब ऐसे नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। मैं इस झूठे और लालची शख्स को खूब समझता हूँ। प्लीज इसे कहो कि यहां से चला जाए। अबू जी प्लीज, रिश्ते से इनकार मैंने किया था। शहजेब ने घर वाली बात इसलिए कही थी आपसे कि आप मुझे कुछ ना कहें, मेरे इनकार से आपको तकलीफ ना हो। तुमने इनकार किया था? क्यों? आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं मैं इतना अरसा तुम्हें क्या समझता रहा। कोई बात नहीं सर। सर, मैंने यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया है, कभी आए ना? जरूर। मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। थैंक यू सर। सजल बेटा, जिंदगी को मजाक मत समझो। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, वेरी सीरियस इंडीड। हेलो, मैं बोल रहा हूं। अहमद। सजल, क्या तुम मुझे एक फेवर कर दोगी? हाँ, कहो। वो अरीश तुम्हें बहुत मिस कर रही है। अरीश आई हुई क्या? नहीं, वो हॉस्टल में है। वो उसने सचिन, प्लीज तुम से पर वहीं मिल लो। हाँ, क्यों नहीं, तो कब? परसों, राइट? एनी टाइम। थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट। No problem. अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप लोग कैसे हो? हेलो रीच, कैसी हो? ठीक हूँ।
बुखार तो नहीं है? नहीं, ये देखिए मेरी फ्रेंड्स हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं आपकी, हैं इतनी सारी? अरे हम लोन में खेले, तुम ही आ जाना। तुम रोज कहती थी, लो आज मैं तुम्हारी सजल आंटी को ले आया। भैया रीश, तुम्हारा हॉस्टल तो बहुत अच्छा है। सारी टीचर अच्छी है, मिसेस मार्था अच्छी नहीं है। क्यों? वो गंदी है। नहीं जानू, ऐसे नहीं कहते। सज्जल आंटी, आप रोज यहाँ आया करें। हर रोज तो रीश बहुत मुश्किल है, लेकिन हर वीकेंड आया करूँगी, आई प्रॉमिस। बस दिल लगा के पढ़ना है बहुत। ठीक है सज्जल आंटी। सज्जल आंटी, आप मेरी मामा बनेंगी? मेरा ख्याल था तुम सोना गए हो। जी मैं सोच ही रहा था। बैठे। थैंक यू। अरीज के जाने से बहुत खामोशी हो गई है घर में, है ना? जी। तुम्हारी लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी डॉक्टर एहसन से, आई मीन रिमशा के बारे में? 8-10 दिन तो हो ही गए होंगे। आप क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही अमर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या तुम नहीं समझते कि पिछले चंद महीनों में अरीज सजल से बहुत करीब हो गई है? जी शायद। शायद नहीं, यकीनन यही बात है। हम जब भी उसे विजिट करते हैं वो सजल के बारे में पूछती रहती है। जी देखो अमर, कही हुई बात को बार बार दोहराना कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सच यही है जो दिखाई दे रहा है। अंकल प्लीज, क्या वही कहना चाह रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? हां, अरीज को नहीं पता कि मां क्या होती है। हमने तो उसे हमेशा एक सोई हुई औरत दिखाकर यह बताने की कोशिश की है कि मां ऐसी होती है। अरीज एक हसास बच्ची है। तुम बताओ हम कब तक उससे झूठ बोलते रहेंगे? लेकिन ये झूठ कैसे हो सकता है? रिमशा, रिमशा मां है उसकी। रिश्ते खून से नहीं, ताल्लुकात से परवान चढ़ते हैं। और सच तो ये है कि अरीज और रिमशा का कभी किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं रहा। ये ठीक है कि अरीज और सजल का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अरीज ने सजल से इस कदर मजबूत ताल्लुक इस्तवार कर लिया है कि मेरे ख्याल में तुम सजल से शादी कर लो। अरीज की खातिर, हम सब की खातिर। Is it fair? पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। तुम क्या समझते हो मेरे लिए फैसला करना आसान बात है? मैं और हमीदा बरसों चले आग पर यहां तक पहुंचने के लिए। इंसान मजबूर महज है, उसका हालात पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई इख्तियार नहीं। मुझे कुछ वक्त है अंकल, मेरी समझ में उस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं, आज तुम्हें कोई फैसला कर ही लेना चाहिए। तो फिर सजल ही क्यों अंकल? मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन वो सजल से बहुत ज्यादा करीब है। अरीज शायद किसी और से इतनी मानूस ना हो सके। बोर्डिंग हाउस का वाकया हम सब की आंखें खोलने के लिए काफी है। तुम बाप हो, तुम्हारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ठीक है अंकल,
जैसे आप मुनासिब समझें।